हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि नौकरी.com से अपना प्रोफाइल कैसे डीएक्टिवेट करें या कैसे हाइड करें। ये कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, कई बार क्या होता है कि रिक्रूटर ऐसे कैंडिडेट को कॉल करते हैं जो जॉब नहीं देख रहे हैं, या जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, या जिनको अपनी करंट कंपनी में हाइक मिल गई है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कैंडिडेट के लिए रिक्रूटर का बार बार कॉल करना या बार बार अलग अलग रिक्रूटर्स के कॉल आना एक बहुत बड़ी हेडक बन जाती है। तो इस हेडक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी प्रोफाइल या तो इनविजिबल कर देनी चाहिए या उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को हाइड या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले नौकरी.com ओपन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद माई नौकरी पर कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद में सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे है नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। इस पे रीड मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर, जब यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, डीएक्टिवेट टिल नेक्स्ट लॉगिन, डिलीट अकाउंट। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है कि जब तक आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें या अपने प्रोफाइल में कोई मॉडिफिकेशन करें, अभी आपको जॉब चेंज नहीं करनी है लेकिन कुछ टाइम आपको लगता है कि मुझे जॉब चेंज करनी है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। और यदि आपको परमानेंटली डिलीट करना है अपना अकाउंट, तो यहाँ पे जाके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके प्लीज टेल अस व्हाई यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, आप कोई भी रीजन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि नौकरी.com से अपना प्रोफाइल कैसे डिलीट करें या कैसे डीएक्टिवेट करें। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।